समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच चल रही बयानबाजी के बीच शुक्रवार को देर शाम मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ कार्यालय में दस्तक दी। यूपी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद सपा संरक्षक और सपा प्रमुख एक मंच पर पहली बार नजर आए हैं। इस दौरान नेताजी ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा से है। वहीं मंच पर मुलायम सिंह यादव के पुराने साथी बलराम सिंह यादव भी नजर आए। शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में सपा प्रदेश मुख्यालय में तमाम जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने भाषण से उनमें नया जोश भरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और सपा की तारीफों के कसीदे गढ़े। कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह अपने बेटे अखिलेश के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आए। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये तो साफ है, अब लड़ाई दो ही लोगों के बीच है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। उत्तर प्रदेश में अब कोई नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। उन्होंने कहा कि अब 2024 की लड़ाई के लिए तैयार रहें। मुलायम सिंह ने आगे कहा कि आपको जानकारी होना चाहिए, दुनिया में चर्चा समाजवादी पार्टी की है। उसके बावजूद कई टिप्पणी की गई समाजवादी पार्टी के बारे में। उन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, इस जिम्मेदारी और इस विश्वास को खोएंगे नहीं। लोगों ने विश्वास किया है तो इस विश्वास पर हम अडिग होकर काम करेंगे। दरअसल मुलायम सिंह चाहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ता इस बात को समझें और जनता तक ये बात पहुंचाएं कि इस बार भी भाजपा का मुकाबला सिर्फ सपा ही कर सकती है। इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सूबे में अब तीसरी कोई पार्टी नहीं है। मुलायम सिंह यादव के कार्यकर्ताओं को दिए गए इस मंत्र के पीछे की रणनीति साफ है। अगर लोकसभा चुनाव में भी सपा यह समझाने में कामयाब हो जाती है कि भाजपा को सिर्फ वही कड़ी टक्कर दे रही है, तो विधानसभा चुनाव की तरह ही सपा के पक्ष में एक बड़े वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो पाएगा। मुलायम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में मुकाबला विपक्ष वर्सेस मोदी की बजाय योगी हो। इसलिए जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी ने बुलडोजर बाबा की छवि बनाई है, उसी कानून व्यवस्था को हथियार बनाकर अखिलेश योगी से मुकाबला करना चाहते हैं। पिछले एक महीने से अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा रहे हैं। बहरहाल चाचा और भतीजे के बीच चल रही बयानबाजी के बीच नेताजी मुलायम सिंह यादव का अखिलेश यादव के साथ मंच पर रहना सपा को मजबूती दे रहा है। हालांकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी और उसका हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ है। इस बीच प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी की पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को उन्होंने अपने 9 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।